बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, जबकि सब चीजों की जो वैल्यू है वो बहुत कम है? दुकानें, मकान, प्लॉट, अपार्टमेंट, ये सारी चीजें कम हुई हैं, और कम अज कम जो फर्क है वो 20 लाख रुपए का आया है बैरियर की प्रॉपर्टी पर। आप देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स और मैं हूं आमना अकरम। आजकल जिस तरह से हमारे मुल्क के मौशी हालात चल रहे हैं, तो हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर इस वक्त जमीनों की खरीदारी या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि लोगों को इस चीज का डर है कि कहीं उनकी जो जमा पूंजी है वो कहीं किसी जमीन में या फिर किसी बनते हुए प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको आने वाले दिनों में नुकसान होगा। लेकिन हकीकतन तो ऐसा होता नहीं है, अगर आप टेक्निकली देखें तो भी ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के खौफ और डर होते हैं उनके दिल में, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है। इसी डर और खौफ को खत्म करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, जबकि सब चीजों की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। अगर आप इस हवाले से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन चीजों में इन्वेस्ट करें? इस वक्त बैरियर टाउन कराची में कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन सी ऐसी जमीने या अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा अली, जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि चूंकि अब प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी गिर गई है, खासकर अगर हम बैरियर टाउन कराची की बात करें, क्योंकि ज्यादातर हम भी बैरियर टाउन कराची में करते हैं, बैरियर टाउन कराची की बात करें तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी वैल्यू काफी हद तक गिर गई है। देखा जाए तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका है, लेकिन लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त मैं जानना चाह रही हूँ कि बैरियर टाउन कराची में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर वैल्यू बहुत कम है और आप इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। आमना, देखिए, आपका जो इंट्रो था वो तो बिल्कुल परफेक्ट था इस एतबार से कि कीमतें कम है और लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि लोग घबराते हैं, मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो तो बहुत ज़्यादा ही है, और लेकिन हम लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि जब आप कीमतें कम हो तो आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ये राइट टाइम होता है सरमायाकारी करने का, और चूंकि ये बायर्स डोमिनेंट मार्केट है, बायर्स कम है सेलर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए आप अपनी मर्जी की चीज़ मुनासिब कीमत में ख़रीद सकते हैं, लेकिन लोगों की एक अपनी राय है, एक अपनी उनका फंड्स है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बैरियर टाउन में जिसकी कीमतें कम से कम तरीन हो गई हैं। 125 के प्लॉट हैं, बैरिया हाइट्स है, 10 के विलाज हैं, 31 के विलाज हैं, स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं, 250 गज के प्लॉट हैं, यानी कुछ चंद एक चीजों के अलावा जैसे बैरिया अपार्टमेंट्स हैं, प्रीसेंट 19 वाले, उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क वहां भी आया है, बहुत ज्यादा नहीं आया। इस तरह जो कायद विलाज हैं, बहुत ज़्यादा आबाद है, वहाँ इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बट डेफिनेटली पूरी मार्केट जो कीमतों की गिरावट है उसका असर पूरी मार्केट पर है। दुकानें, मकान, प्लॉट, अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, और कम अज कम जो फर्क है वो 20 लाख रुपए का आया है बैरियर की प्रॉपर्टी पर। अच्छा अली, आप 125 गज के प्लॉट्स की बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले ज्यादातर वही कोशिश, ज्यादातर हम जैसे लोगों की कोशिश होती है 125 गज के प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करने की, तो मैं चाहती हूँ आप उन प्लॉट्स के बारे में बताएं ताकि लोग इस चीज को समझें, अंडरस्टैंड करें और इन्वेस्ट करने की जरूर कोशिश करें अगर वो करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अच्छा आमना, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ज़्यादा बायर्स 125 के होते हैं और ज़्यादा सेलर, क्योंकि नंबर ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी में वो बजट आ जाता है। अब 125 गज का प्लॉट बैरियर टाउन कराची में जो रेंज है वो 27 या 28 लाख से लेकर 60 या 65 लाख तक है। इस ब्रैकेट में आपको अच्छी से अच्छी जगह प्लॉट मिलेगा तो 65 लाख में, और कम अच्छी जगह 40, 45, 15A, 10B, 11B में 45 लाख का प्लॉट मिलता है, 27 में 35 लाख, 37 लाख का है, 15B में भी इतने का है। कम से कम कीमत में जो प्लॉट है बैरियर टाउन कराची में वो मिलेगा आपको 25A में। ये नॉन डेवलप्ड पार्ट है, अभी रेडी नहीं हुआ, इससे थोड़ी कीमत आप ऐड करेंगे आपको 23% में, 24 में, 25 में, अली ब्लॉक में 15, 14, 15A, 15B, 10B, 11B, 28, 27, 31, ये वो सारे प्रीसेंट्स हैं जो 125 गज के हैं। यहाँ पर कीमतें हर प्रीसेंट में 1.5 मिलियन से
2 मिलियन 15 लाख से 20 लाख कमी हुई है। ये वो सारी जगह हैं जहां पर आप इस वक्त का फायदा उठाते हुए, इस मार्केट में कीमतों की कमी का फायदा उठाते हुए सरमायाकारी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। ठीक है, तो अली हमने 125 गज के प्लॉट्स के बारे में तो बात कर ली, ये भी थोड़ा सा क्लियर करते जाएं कि ये यकमुश्त की मतलब अदायगी कैश पर अदा करना है आपको। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बोला, हाइट्स की कीमतें कम हुई हैं, विलास की कीमतें कम हुई हैं, और खसूसर 31 के विलास, क्योंकि एक तो मेन गेट से अंदर है, स्पोर्ट सिटी की विलास की कीमतों में कमी हमने देखी है। अब हाइट्स की अगर मैं बात करूं तो एक हाइट्स है वो आपको जो बैरी हाइट्स 2 है वो आपको 65 लाख में मिल सकता है। बैरी हाइट्स 1 टावर ABCDEFG ये वाली साइट पर आपको इनर अपार्टमेंट 85 तक मिल सकता है, हमारे पास अवेलेबल भी हैं, दूसरा फ्लोर है, छठा फ्लोर है। अगर आप चाबी के साथ देना चाहेंगे कि अभी आप पैसे दें और फौरन रहना शुरू कर दें तो 1.5 करोड़ में मिल सकता है। ये 1.20 से 1.25 पर हुआ करते थे, यानी 2 मिलियन का जो कमी है वो तो यकीनन आई ही आई है इस पूरी चीज़ों में, और इससे ज़्यादा अगर आप कमी का पूछें या पूछती हैं तो विलास स्पोर्ट सिटी में तकरीबन 4 से 5 मिलियन कीमतें कम हुई हैं ओवरऑल। बैरिया 31 के विलास में तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख रुपए कम हुए हैं, 1.80 1.85 का रेट था, आज 1.55 के सराउंडिंग में आपको विला मिल जाएगा, 235 yards ग्राउंड प्लस 1 3 bedrooms। ठीक है, अच्छा अली हम बात कर रहे हैं कि ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में इनकी मजीद कीमतें कम होंगी? देखिए मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन अगेन हम बहुत कीमतें ना पहले ही गिर चुके हैं, कीमतें कम हो चुकी हैं और 1 साल 2 महीने से कम ही हो रही हैं, और जो पिछले 2-3 महीने थे उसमें गिरने की रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी। हम ये समझते हैं कि जितनी कीमतें कम हो गई हैं इसमें बहुत कम चांसेस है कि कीमतें और कम हो भी सकती हैं, 1-2 लाख 3 लाख रुपये कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉपर्टी में फ़र्क आ सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 मिलियन का जो जंप है वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो इसीलिए मिलेगा कि आप गिरी हुई कीमत पे ख़रीदारी कर रहे हैं, और इस वक्त की ख़रीदारी यकीनन आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। ये हमने कुछ सूरत आल बैरिया टाउन कराची में पहली दफ़ा नहीं देखी, आज से पहले भी कीमतें डाउन हुई हैं, आज से पहले भी जो लोगों ने ख़रीदारी की थी वो प्रॉफिट हासिल किया था, मार्केट डाउन हो गई, तो हमारे सामने ये चौथी दफ़ा है कीमतें अब कीमतें डाउन, कोविड बैरिया का केस, फिर ये वाली चीज़ें, फिर इससे पहले कुछ केसेस थे बैरिया पर, तो ये तमाम चीज़ें हम ना हम समझते हैं कि अभी कीमतें डाउन है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कीमतें हमेशा डाउन ही रहें, प्रॉपर्टी में प्लस माइनस चलता रहता है। बिल्कुल, और इसीलिए लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, और दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ, खासकर इन बैरिया टाउन कराची। और अगर मजीद भी किसी किस्म के कोई सवालात आपके जहनों में उठते हैं इस हवाले से तो उन सवालात के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और मेरा ईमेल आईडी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने सवालात या कुछ भी पूछना चाहें तो आप ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। अली रजा और दानिया नकवी का नंबर मौजूद होगा, उन्हें कॉल कर सकते हैं, या फिर मिडवे कमर्शियल बी पर हमारा ऑफिस है, आप ज़ाती तौर पर भी वहाँ पर तशरीफ ला सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं।